नहीं लगता सर, हकीकत में मेरे को नहीं लगता, मेरे को तो बस वो क्या कि वो निपटाओ ना, वो फॉर्मेलिटी रह जाती है। सेक्स ना एक बहुत बड़ा अलग चीज है, एनर्जी भी है, और इससे बड़ा परम सुख नहीं है। इसमें इतना आनंद है, ये सागर है जो इस एनर्जी में खुल के डूब गया ना पूरी तरह से, जिसने एंजॉय कर लिया वो वैसे ही मस्त हो जाएगा, वो उसी परमात्मा की अवस्था में ही चला जाएगा। इसलिए सुप्रीम पावर है, तो इस एक्ट को जल्दबाजी में करना नहीं है या फॉर्मेलिटी में नहीं, इसमें डूबना है आहिस्ता आहिस्ता, जल्दबाजी में छलांग नहीं लगानी है। अच्छा। आराम आराम से जाना है, धीरे धीरे। तो फिर सर वो तो मतलब चूमा चाटी में वो तो खाली हो जाएगी फिर। अब उसको खाली करना ही मकसद है ना, तो फिर क्या फायदा? अरे वो दोबारा तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा हाँ, उसके बाद फिर आनंद आएगा। तो पहला सुख है अपने पार्टनर की खुशी, जब वो सुखी होगी तो फिर आपको सुख से भर देगी, चाहे वो जी सामाजिक सुख हो। जब पत्नी खुश है ना तो भैया वो आबाद कर देगी घर को, वो जीवन को स्वर्ग बना देगी। अगर पत्नी दुखी है तो स्वर्ग को ही नरक बना देगी, ये बात याद रखनी। तो पहला हमारा कर्तव्य है अपने पार्टनर को खुश रखना। उसमें ये टेक्निक आपको सीखनी होगी, या जैसे भी करके आप ये करना जितना मैंने बताया, उसको जहां भी अच्छा लगता है। हर एक औरत का ना एक ओरोजोनियस जोन होता है, भी कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर टच करें तो उनको अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, भी वहां पर सहलाएं, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती मालिश ही कर दें। हाँ, आदमी करता है ऐसा, क्या करता है वो मालिश कर, हाँ उसके हाथ होते हैं मजबूत, तो वो ऐसे वो दर्द हो जाता है, वो दर्द हो गया तो फिर उसको कोई आनंद नहीं आएगा, वो क्या छोड़ना इसको। आपका नहीं, ये बहुत से लोगों का ऐसा ही होता है, मतलब ऐसे करना होता है। मैं तो जहाँ से भी आत्मा जाए हो क्या ऐसे का? मतलब जैसे कुश्ती लड़नी होती है। हाँ, ये कुश्ती का काम नहीं, ये हाँ, अलग ये मस्ती का काम है, ये मस्ती का काम है। हाँ, इस मामले में कुश्ती से काम नहीं चलेगा, बहुत ये डूबने वाला काम है। डूबो तो ऐसे कि सब लाइट सी आती है और लाइट सी जाती है। अभी लाइट थोड़ी मतलब ऐसी पड़ गई, मतलब जब लाइट पहले तेज थी ना वो ढीली पड़ गई, और अभी अभी डाउन में ही है बिल्कुल। हाँ, अभी तेज नहीं हुई रोशनी, एकदम से हुई है। कोई बात नहीं, बस रोशनी तो जैसे सूरज बदलता रहता है ऐसे आती जाती रहेगी। तो बस इसमें आप अब तक क्या समझ में आया? मेरे को तो सर अब आपकी बात सारी समझ में आ रही। हाँ, तो इसमें धीरे धीरे जो उसको अच्छा लगे वो चीजें करनी है। आवाजें भी इसमें बहुत अच्छी लगती हैं, इसमें बस थर्ड पर्सन की बात नहीं करनी है किसी की। हाँ, दोनों की बातें हों अपने बारे में। हाँ हाँ, बस दोनों एक दूसरे की, और तारीफ उसकी करनी करनी है जितना हो सके, उसकी फुल दिल खोल के तारीफ करनी। सर जीना सिखा रहे हो। हाँ। मैं तो भूल चुका था सारी चीजों, और क्या भूल चुके हैं तो दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए देखो, राजस्थान की महिला है। अब मेरी जो जिन बीमारियों में सर पकड़ के बैठा था ना, उस वजह से मतलब वो मेरे से कभी जिंदगी में उसने किसी चीज की डिमांड नहीं करी, लेकिन है ना मेरे को दिखाई दे रहा था कि भाई थोड़ी बहुत भाई चाहत तो है। हाँ, होती है ना, देखो वो भी तो इंसान ही है ना, इंसान है, लेकिन वो चाहत को हमेशा दबा लेगी, सारी उम्र निकाल सकती है वो। हाँ। क्योंकि राजस्थान की महिलाएं ऐसी हैं जो सारी उम्र निकाल देंगी, लेकिन हाँ। उफ तक नहीं करेंगी। मैं सर दो दो महीने हो जाते हैं मेरे को, तीन तीन महीने मैं हाथ में नहीं लगा पाता, मेरी प्रॉब्लम को कोई लेके बैठा हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी देखो वो उफ तक नहीं करेगी। मतलब सेक्स कर लिया तो मेरे वही मतलब जैसे ठंडा गर्म खाता हूँ ना मैं, जो प्रॉब्लम थी वही शुरू दोबारा। हाँ। तो मैंने कहा यार अब मैं करूं तो कैसे करूं। हाँ। भाई मैं तो करते मतलब बीमार सा हो जाता हूं। हाँ। क्योंकि अप्पा तो कहीं और ही फाइलें जोड़ के बैठे हुए थे। हाँ, ध्यान तो कहीं मेरा कहीं और टीका पड़ा था। हाँ, तो आज ये प्रयोग करना आपने, मैं जो बता रहा हूँ ठीक है, आज देखना बड़ा आनंद आएगा, खुशी मिलेगी। तो ये करना, इससे टाइमिंग भी बहुत बढ़ जाएगी, आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी और उनकी खुशी की टाइमिंग बढ़ जाएगी, उनको खुशी ज्यादा मिलेगी। तो क्योंकि ये दवाइयां दुनिया ना, इससे आदमी बेहोशा हो जाता, कोई मजा सा नहीं आता। हाँ हाँ, हम ज्यादा पावर तो ज्यादा आ जाती है, लेकिन जो संतुष्टि का लेवल है वो कम हो जाता है, संतुष्ट नहीं हो पाते ना सर। उसमें नहीं है तो, हाँ उसमें नहीं है तो वो चल तो रहा है, लेकिन वो पता ही नहीं है क्या चल रहा है। हाँ, बस चल रहा है, फास्ट चल रहा है। फास्ट चलने से क्या हो जाएगा? फास्ट नहीं होता, धीमा ही होता वो शुरू में, कुछ पल आते हैं जब फास्ट की जरूरत पड़ती है। हाँ, बाकी धीमे धीमे से बहुत अच्छे से एंजॉय करके करना होता है।
इसमें कोई रेस नहीं जीतनी होती। सही बात है। तो एक तो ये तो पता ही नहीं था सर हकीकत में इन बातों का जो आप बता रहे हो ना, ये लगभग लोगों को नहीं पता है हकीकत में, नहीं पता था। मैं तो हमेशा, मैं तो ऐसे बहुत से बेवकूफ देखे हैं लोगों को कि जिनको सेक्स करना ही नहीं आता। बच्चे पैदा करना कोई सेक्स करना थोड़ी ना है। अभी बच्चे तो वैसे ही हो जाएंगे, वो वीर्य अंदर जाएगा तो अंडे से मिलेगा तो बच्चे तो पैदा हो ही जाएंगे, वो तो हो जाएंगे। उसमें संतुष्टि का कोई लेना देना उसी को लो बाग मर्दानी के नाम ना, 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 वो मर्दानगी नहीं है, वो तो जानवर भी कर सकते हैं। मर्दानगी है सामने वाले को संतुष्ट करना, खुश करना। मैं यही चीज सोचे करता यार, चार चार बालक मैंने पैदा कर दिया लो बाग में, ये समझने लग गए थे कि भाई यार छोरा में दम है, मेरी बहन से दम तो साला लग ही नहीं रहा। देखो बच्चे पैदा करना दमदार नहीं है, वो तो देखो अपना वीर्य अंदर जाएगा, अंडे से मिलेगा तो होगा ही, वो कुदरत है। वो तो और था उसमें, तो अपन ने क्या किया। हाँ, उसमें अपना रोल ही नहीं, अपन तो करना कुछ और ही चाह रहे। हाँ, बस वो तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, वो तो निकलेगा ही, वो तो है ही। जैसे आप बीज डालेंगे तो जमीन में गिरेगा, तो जब हवा पानी मिलेगा तो वो। और मैंने तो कभी जिंदगी में ये समझ के तो मतलब किया ही नहीं कि भाई मेरे को बालक चाहिए या बालक करना है। हाँ, मैं तो अपने एंजॉयमेंट के लिए का बस बस हम यही करते हैं ना, अपना वो पानी निकालने के लिए। मतलब मेरी आवाज बाहर तो नहीं जा रही ना, ना कहीं नहीं जाती अपनी आवाजें, इस कमरे के बाहर आवाजें जाती नहीं है। ऐसा सिस्टम मैंने किया हुआ है। अच्छा, अच्छा। और इस कमरे की एनर्जी सब कुछ अलग ही है। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए अब आपने खुशी के लिए सोचना है, संतुष्टि के लिए सोचना है, दोनों की संतुष्टि। हाँ, जब उसकी संतुष्टि होगी तो आपको भी संतुष्टि मिलेगी, अगर उसको संतुष्टि नहीं मिले तो कहीं ना कहीं आपको भी जाना। कमाल हो वास्तव में आप। अरे कमाल कुछ नहीं है, मेरा तो यही समझ में नहीं आ रहा यार, हकीकत में। यार मतलब ऐसे भी मतलब जो काम आप कर रहे हो सर, वास्तव में कोई नहीं कर पाता वो। हाँ, नहीं कर सकता सर, आपने जो काम किया है ना वो नहीं कर सकता कोई। हो जाएगा मतलब इलाज विलाज कर देते हैं लोग, मगर वो जो चीज आपके पास है ना वो नहीं है किसी के पास शायद। ये मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं है, लेकिन मैं अंदाजे से विश्वास से बोल रहा हूँ सर, जो लेवल आपका है ना वो शायद ही है, और वो भी मतलब हो सकता है शायद आपसे भी ऊंचे लेवल के मिल जाए। हाँ, बहुत दुनिया में कुछ लेकिन भी हो सकता है। मैंने तो भाई आपको देखा सर। मेरे, हाँ, ऐसा है। लेकिन देखो कृष्ण के बंदे हैं तो जो कला कृष्ण भगवान कृष्ण के पास थी उसका वंश मात्र तो अपने पास होना चाहिए ना। सही बात। जब कृष्ण देखो, क्योंकि मेरे तो सर यही मेरी गल से कम नहीं है, आप चाहे बेशक आप में मतलब शक्ति कम है ज्यादा है मेरे को नहीं पता, लेकिन भाई मेरे लिए तो मेरा तो काम बन रहा है उस। हाँ, बस काम बन गया बस, तो मेरे को तो वही चीज दिख रही है, और मैंने तो कभी कोई देखा ही नहीं ऐसा। हाँ, हाँ, मैं तो ऐसे थोड़ी हम इस दुनिया से बाहर है। हाँ, हाँ, इस दुनिया में हम भी तो है बिल्कुल, लेकिन मैंने तो देखा ही नहीं, और हो सकता है आपसे भी बड़े जादूगर मिल जाएंगे। हाँ, मिल जाएंगे जादूगर, लेकिन ढूंढने का वक्त और चाहत किसको है सर। हाँ, मेरे को चाहत भी नहीं है, बस जो मिल गया बस कुदरत ने भेज दिया ना, जो हमारे लिए सही होता। हाँ, कुदरत भेज देती है। और तो बस फिर आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी, मतलब मेरे को धीरे धीरे करना है, आराम आराम से डूब डूब के। जो लिंग डालना होता है वो तो लास्ट में डालना होता है। लास्ट में मतलब जब पूरा एकदम से वो एकदम से गर्म हो जाए, खुद कहने लग जाए कि अब रुको मत डाल लो। अच्छा अच्छा, तो उसके कुछ ही मिनटों में वो चरम सुख को प्राप्त हो जाएगी। आपने तब तक धीरे धीरे करना है, थोड़ा ध्यान इधर उधर रखना है। हाँ, जैसे ही आपको लगे कि अब दो चार बार और स्ट्रोक करूंगा तो निकल आएगा, तो उसी समय एकदम से आपने निकाल देना है। और एकदम से जैसे कहीं और देख लिया कुछ, एकदम से सोच लिया, एकदम से जैसे मोबाइल देख लिया, एकदम से विपरीत दिशा में चले गए, तो यहाँ से क्योंकि दिमाग से दिमाग हटा तो वो जो ध्यान से कनेक्शन, हाँ, वो हट जाएगा पूरा, वो कहेगा भी इसकी जरूरत नहीं है, कोई और चीज इम्पोर्टेंट आ गई, तो सारा जो है ना यहाँ से निकल जाएगा ध्यान, फिर आप वापस शुरू हो जाओ तो फिर टाइमिंग बढ़ जाएगी, चार पांच मिनट तक फिर चलेगा। हाँ, ऐसे जब वो संतुष्ट हो जाए फिर अपना पूरा स्ट्रोक करके कर लो। सही कह रहे हो। हाँ, शुरुआत में ऐसे, फिर दूसरी बार करोगे तब तो अपने आप टाइमिंग बढ़ जाएगी, और करना यही है ना। दूसरी बार तो फिर तो अगले टाइम में है, फिर तो अगले दिन में या जब भी है। हाँ, जब भी है, नहीं तो एक बार करता हूं। हाँ, बस ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से करना, टेक्निक से करना, बस टेक्निक जरूरी है, लोगों के पास टेक्निक नहीं होती।
लिंग और मेरी मेंटेलिटी ये बनी हुई थी कि भाई इस काम को करने से कमजोरी आती है। ना 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 ना, जब भी मैं करता हूँ तो मेरे अंदर वास्तव में कमजोरी फील होती है। कमजोरी क्या, कोई मानसिक कमजोरी होती हो। इस काम को करने के बाद तो एनर्जी आती है। और एक सच बात बता देता हूँ, जो इसको जितना ज्यादा करता है वो उतना ही जवान रहता है, बुढ़ापा लेट आता है चेहरे पर। ये जो मतलब इस पेनिस अपना मतलब जो मेरा है, मतलब इसमें मतलब जो मास्टिपेशन की वजह से इसकी मतलब जो नसवा से नहीं ये दिखाई देने लग गई। मास्टरबेशन से नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। फिर ये कैसे हो गई? ये नसें ना, जब खून इसमें इकट्ठा हो जाता है तो फूल जाती हैं। ये सब की दिखाई देती हैं। अच्छा, हाँ, सबका पेनिस का आकार। मगर सर कईयों की मतलब थोड़ी हल्की होती है ये चीजें। हल्की होती हैं, लेकिन हम जैसे अपने एरिया में नहीं देखते ना, तो जिसके अंदर जितना खून ज्यादा जा रहा है वो फूल जाती है खून से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको फूलने दो। नसें तो फूलेंगी ना, खून जाएगा तो, क्योंकि खून चलता है ना उनमें, और वो खून एकदम से रुक जाता है आगे, फिर तभी तो वो उसमें तनाव बना रहता है। अगर वो खून निकल जाए तो साथ की साथ वो मतलब जो भी मैं सोच रहा था, सोच थी इसमें मेरी, वो सब बेकार है। बेकार, कचरा इस चीज के बारे में अब तक की बेकार थी। मास्टरबेशन करने से लिंग स्वस्थ रहता है, जो नहीं करते उनका कमजोर हो जाएगा। जैसे आप बोलना छोड़ दें, जुबान का प्रयोग ना करें तो बोलना भूल जाएंगे ना। जिस अंग का आप प्रयोग कम कर देंगे, जैसे हाथ को हिलाएं ना तो हाथ जकड़ जाएगा, इसकी मांसपेशियां जाम हो जाएगा, ये हाथ से काम लेना बंद कर देंगे तो खराब हो जाएगा ना। तो ऐसे ये लिंग का काम ही है, क्या है, बाहर फेंकना, और इससे आपने काम लेना बंद कर दिया तो ये भी बेकार हो जाएगा। तो मास्टरबेशन करने से ये सही रहता है। और जिसने मास्टरबेशन नहीं किया बचपन में या जब भी उसके अंदर वो हार्मोन, मतलब एक दिन दो बार भी हो सकता है? ना ना, दो बार कभी कुछ महीने में हो जाए तो ठीक है। अच्छा, हाँ, डेली नहीं करना। एक्सेसिव वो एडिक्शन हो जाता है ना, फिर वो लत है। वो लत बुरी है, लत तो किसी चीज की हो वो बुरी है ना। जैसे नशा सीमित मात्रा में ले तो अमृत है, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ले तो जहर बन जाता है। वैसे सीमित जरूरत के हिसाब से, जैसे हफ्ते में कई बार मास्टरबेशन कर लिया, अगर मैं मतलब जैसे कि रात में सोऊंगा तो मतलब मेरे को कमजोरी महसूस नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, फायदा आएगा। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा, आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब, भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।